चलिए खबरों बढ़ेगा आगे। यूआरजेडी के नेता रंजन यादव ने लोहे से लोहा काटने की कामयाब कोशिश की है। दो दिन पहले आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यूआरजेडी के अध्यक्ष पद पर किसी मुस्लिम नेता की ताजपोशी की मांग की थी। उस मांग के जवाब में आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ही कुछ नेताओं ने रंजन यादव को सम्मानित करते हुए उन्हें अल्पसंख्यक समाज का सबसे बड़ा हितैषी बताया। रिपोर्ट देखिए। किंग मेकर बनने की चाहत रखने वाला आरजेडी इन दिनों आपसी मनमुटाव और उठापटक से जूझ रहा है। ताजा मामला युवा राजद रंजन यादव से जुड़ा है। दो दिन पहले राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद बारसी ने युवा राजद के अध्यक्ष पद पर किसी मुस्लिम नेता की ताजपोशी की मांग की थी। ये मांग अभी दिल्ली भी नहीं पहुंच पाई थी कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कुछ नेताओं ने रंजन यादव को मुस्लिम बहुल इलाका करबला चौक के पास न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि यहाँ तक कहा कि कुछ लोग राजद का विकास नहीं देखना चाहते, लिहाजा ऐसी बातें कह रहे हैं। अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा कि युवा राजद के अध्यक्ष रंजन यादव ने युवा राजद में उपाध्यक्ष के चार चार पद अल्पसंख्यक नेताओं को दिए हैं, अब और कैसा अध्यक्ष चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव हैं युवा के, और कुछ लोग दो तीन दिन पहले हम लोग सुने थे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मीटिंग करके बोले थे कि हमारे रंजन यादव जी को हटाने की, तो यहाँ वैकेंसी नहीं है। जब से रंजन जी को प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लालू जी बनाए तब से मैंने देखा अखिलियतों के पक्ष में काम कर रहे हैं, और जितने भी पद बांटे हैं अपने पदाधिकारी को ज़्यादातर हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। मैं भी वरीय उपाध्यक्ष मोहम्मद फिरोज अंसारी हूं, और हर जगह इसीलिए हम लोग जो झूठा रिमर उड़ाया जा रहा है अल्पसंख्यक कई विपक्ष हैं, हर महल्ले हर टोले हर वार्ड में इनकी प्रोग्राम अखिलियत करेगी। करबला चौक के पास आयोजित सम्मान समारोह में युवा आरजेडी अध्यक्ष रंजन यादव को बेहद ही पारंपरिक तरीके से सम्मानित किया गया। मसलन रंजन यादव को टोपी पहनाई गई, फूल मालाओं से लाद दिया गया। साथ ही उन्हें भाषण में कई बार नेताओं ने मोहम्मद रंजन यादव कहकर भी सम्मानित किया। जाहिर है रंजन यादव ने कहा कि राजद का MY समीकरण में सेंधमारी करने के लिए कुछ लोग दूसरों के हाथों खेल रहे हैं। क्योंकि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मानता हूं, अपने तेजस्वी जी को मानता हूं, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता, तो उनकी सोच है अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाओ। जी हाँ, हमारे रंजन यादव जी बहुत ही ईमानदार और कर्मठ जुझारू नेता है। ये हमारे अकलियत के लेके बहुत ही आगे काम किए हैं और करते रहेंगे। बहरहाल मुस्लिम नेताओं ने रंजन यादव को सम्मानित करने के बहाने अपने ही नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इरफान अंसारी ने यहां तक कहा कि वारसी जैसे नेताओं ने आरजेडी में रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट।